जब आप अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेच देते हैं, क्या उसके साथ आपकी जितनी भी देनदारी है वो भी खत्म हो जाती है? और अगर नहीं, तो जब आपको गाड़ी कबाड़ करनी है तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं सब बातों को लेकर हम पेश कर रहे हैं आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाल ही में कुछ अखबारों के अंदर एक खबर छपी जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति ने 3 साल पहले अपनी गाड़ी जो थी वो कबाड़ में बेच दी और उसके बाद चैन की नींद सो गया कि अब गाड़ी कबाड़ में बेच दी है, कोई टैक्स नहीं देना, कोई और खर्चा नहीं है। लेकिन उसको शौक तब लगा जब RTA दफ्तर से उसको एक नोटिस आया। नोटिस में उससे कुछ टैक्स, बकाया टैक्स की डिमांड की गई थी, लेकिन इस गाड़ी मालिक ने वो नोटिस लेने से ही मना कर दिया। कई बार 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 नोटिस RTA ऑफिस से आए और लेकिन हर बार ये जो नोटिस था, सरकारी नोटिस था, उसको लेने से मना कर देते थे। उसके बाद हुआ ये कि उस नोटिस को इनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया। जी हाँ, ये एक लीगल टर्म है चस्पा करना। इसका मतलब ये होता है कि उस नोटिस को चिपका दिया गया इनके घर के बाहर। उसका कानूनन मतलब ये होता है कि ये जो अब नोटिस है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब इसे इग्नोर नहीं कर सकता है व्यक्ति। खैर, इस नोटिस में क्या लिखा था? इसमें यह लिखा था कि आपका पिछले 3 साल का रजिस्टर, रोड टैक्स, फिटनेस टैक्स आदि मिला के कुल 1,40,000 की देनदारी है RTA की तरफ और आपको 1,40,000 रुपये डिपॉजिट करवाना है। अब गाड़ी मालिक ने तो गाड़ी इसलिए कबाड़ कर दी थी कि वो गाड़ी चलाना नहीं चाहते थे या टैक्स वगैरह के झमेले से निकलना चाहते थे, और लेकिन हुआ उल्टा कि गाड़ी कबाड़ करने के बाद भी 1,40,000 रुपये की देनदारी खड़ी हो गई। इसी बात को लेकर गाड़ी मालिक पहुंचा RTO ऑफिस और वहां जाकर ये बताया कि मैंने तो 3 साल पहले अपनी गाड़ी को कबाड़ कर दिया था, मैंने कोई गाड़ी चलाई ही नहीं, कोई कमाई की ही नहीं, तो टैक्स किस बात का, फिटनेस किस बात की। लेकिन RTO ऑफिस ने जो जवाब दिया वो हम आपको बताते हैं। RTO ऑफिस ने असल में हवाला दिया मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 यानी 55 का। ये है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेकर, RC को, रजिस्ट्रेशन को, जो गाड़ी की है उसको कैंसिल कराने के संबंध में ये धारा है। हम आपको इसके मुख्य जो पार्ट है वो पढ़ के सुनाते हैं, आपको बात समझ में आएगी। इसमें सीधा सीधा लिखा है क्लॉज 1 के अंदर, इफ़ अ मोटर व्हीकल हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड और हैज़ बिन रेंडर्ड परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ यूज। कहने का मतलब कि अगर वाहन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, या फिर उसको उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल चल नहीं सकता, उसकी कोई इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता है, उस केस में द ओनर शैल विद इन 14 डेज और एज सून एज मे बी रिपोर्ट द फैक्ट टू द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। तो अगर ऐसा हो जाता है आपकी गाड़ी के साथ तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जो आपका RTA ऑफिस है वहाँ पर इसके बारे में जानकारी देनी होगी और अपनी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करवाना है 14 दिन के अंदर अंदर। अब जब आप वहाँ पर इंटीमेशन दे देंगे RTA ऑफिस के अंदर कि इस तरीके से मेरी गाड़ी या तो मैंने कबाड़ में बेच दी, या फिर उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका टोटल लॉस हो गया, या गाड़ी फिर चोरी हो गई है, अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है, ऐसे तमाम केस हैं। कई केसेस के अंदर ही होता है कि गाड़ी इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई है, आप उसको कबाड़ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, घर पे खड़ी है, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और ना ही उसका इस्तेमाल हो सकता है, उस केस के अंदर भी आपको RTA में इंटीमेट करना होता है। और जब आप इंटीमेट करते हैं उसके बाद क्या होता है, क्लॉज 3 पढ़ लेते हैं इसी धारा का। इसमें साफ साफ लिखा है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में ऑर्डर द एग्जामिनेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिख के दे देंगे और वो मान लेंगे, वो इसका एग्जामिनेशन यानी कि जांच करवाएंगे कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। और आगे लिखा है, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द व्हीकल इज़ इन सच अ कंडीशन दैट इट इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड और इट्स यूज इन द पब्लिक प्लेस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ डेंजर टू द पब्लिक एंड दैट इट इज बियॉन्ड रीजनेबल रिपेयर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। उनका कहना है कि अगर इसकी जांच पड़ताल करेंगे और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो वाहन है अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इस ये अब रिपेयर भी नहीं हो सकता है, उस केस के अंदर वो जांच पड़ताल के बाद इस व्हीकल की जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। तो जब ये धारा और इसके क्लॉज पढ़ के सुनाए गए गाड़ी मालिक को तो उसके पास कोई चारा नहीं था और उसको 1,40,000 रुपये जमा करवाना पड़ा और उसके बाद ही
उसकी जान बची इस केस के अंदर। असल में होता यह है कि हम कई बार सोच लेते हैं कि गाड़ी अब हमने डिस्ट्रॉय कर दी है तो कोई मेरा ड्यू नहीं बनता है, आरटीओ ऑफिस क्या कर लेगा, जब गाड़ी ही नहीं है, एक ही गाड़ी थी और वो मैंने कबाड़ कर दी है तो आरटीओ ऑफिस क्या कर लेगा। आरटीओ ऑफिस असल में सरकार ही है देखा जाए तो, और उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी तक को, आपके घर को या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी उसको नीलाम करके बेच सकता है और उससे जो भी कमाई होगी, आमदन होगी, उसमें से अपना टैक्स वसूल कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है। अगर सरकारी कोई इस तरह का आपको नोटिस आता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत है तो आप अपने वकील के ज़रिए उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अगर आप अपनी गाड़ी को कबाड़ करते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं, या फाइनेंस वाले गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं और वापस नहीं आपने करवानी है गाड़ी अब, या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, वापस नहीं आने की उम्मीद है, या फिर टोटल लॉस हो जाती है, इन तमाम कारणों की, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो चल नहीं सकती, उस केस के अंदर आपको 14 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना है जो आरटीओ ऑफिस है आपका, और वहाँ पर कैंसिलेशन की दरखास्त देनी है, आरसी कैंसिल करवा दीजिए। जब आरसी कैंसिल होगी उसके बाद ही जो आपका आगे का टैक्स है वो बंद होगा। आरसी कैंसिल करवाने तक का जो टैक्स होगा उस दिन तक का, वो आपको पे करना होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी टैक्स या फिटनेस की फाइन आपके ऊपर नहीं लग सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।